आदित्यपुर में रैफ 106 एवं जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से की शांति समिति के साथ बैठक। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना में शांति समिति के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रैफ एवं जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से शांति समिति के सदस्य एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। इस मौके पर रैफ 106 बटालियन के सहायक कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि आने वाले गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा के मद्देनज़र क्षेत्र के गणमान्य लोगों एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है, ताकि क्षेत्र में भाईचारा और शांति व्यवस्था बनी रहे। आपको बता दें कि शुक्रवार को रैफ ने कपाली क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला था। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। बस इसी कारण से हम लोग यहाँ पे आए थे और लग रहा है कि अच्छी बात है, वहाँ पे यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई घटना होने के चांसेस नहीं है, तो अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग बना के रखें ये स्थिति, हमेशा जरूरत ना पड़े कि कभी आरएफ इस एरिए में आए, क्योंकि सर बताया अभी हमने कि आरएफ तभी पहुँचती है जब स्थिति इनके हाथ से बाहर हो जाए, और इनके हाथ से बाहर होने का मतलब है कि बहुत उम्र हो जाएगी और वहाँ पे बहुत नुकसान हो जाएगा, दोनों तरफ से नुकसान होता है। हैं कि हम लोग यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से एक्टिव हैं सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में, और जो इनके संबंध से इलाके हैं आदित्यपुर है और कोपाली थाना में हम लोग 2-3 दिन से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसी के तहत आने वाले 26 जनवरी और इसके लिए सरस्वती पूजा के लिए भी कि शांति व्यवस्था में किसी तरह का कोई रुकावट ना हो, यहाँ पे शांति जो स्थिति है वो बनी रहे, इसके लिए हमने शांति समिति के सभी सदस्यों को और जो भी यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया था और उनको इस बारे में बताया कि पब्लिक में वो हमारे से ज़्यादा उनका पहुँच है आम जनता के बीच में, तो आम जनता में ये चीज़ फैलाएं कि किसी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव किसी के बहकावे में ना आए और किसी तरह का तनाव उत्पन्न ना करें और ना होने दें, और जहाँ तक मदद हो सकेगी जहाँ हम लोग उन तत्पर रहेंगे कि जब भी उनको कोई जानकारी कहीं गलत चीज़ों की मिले तो वो तुरंत थाना प्रभारी को सूचित करें इस बारे में, और जो भी और भी कुछ विभिन्न मुद्दों के बारे में यहाँ पे हमारी चर्चा हुई है जो कि जिससे कि यहाँ का माहौल अच्छा रहे। सर मुख्य मकसद मतलब मेन किन कार्य पे था मुख्य, क्योंकि रैफ के जवान के मकसद शांति समिति की बैठक, हाँ तो रैफ का काम ही है शांति व्यवस्था को स्थापित करना, रैफ का जो मुख्य कार्य है वो है शांति व्यवस्था को स्थापित करना, और यहाँ पे शांति व्यवस्था ना बिगड़े उसकी हमारी पहल है कि उससे पहले की स्थिति को हम लोग सुधार लें। और इस मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग इस एरिया में अनभिज्ञ हैं, इस एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं थी, तो यहाँ के लोगों से जब तक हम मिलेंगे नहीं, यहाँ के एरिया में जब तक हम लोग कोई फ्लैग मार्च या किसी विभिन्न प्रकार की नहीं करेंगे तो लोग यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम लोग अभी पिछले 3-4 दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है और आगे भी अभी 2-3 दिन और भी ये प्रोग्राम चलेगा, और हम लोग यहाँ के बारे में पूरी जानकारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर किसी तरह का तनाव यहाँ पर उत्पन्न हो तो उसको हम लोग आसानी से हैंडल कर सकें। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।